एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हे गाइस, आप देखकर शायद चौंक गए होंगे कि ये लड्डू, अरे ये लड्डू तो मार्केट वाले हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी मार्केट वाले नहीं हैं। जी हाँ, ये मोतीचूर के लड्डू आप अपने घर पे अब बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और आने वाला है रक्षाबंधन, और उस पर बना करके अपने हाथों से बनाएं और खिलाएं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर आप सोचते होंगे, अरे यार ये तो मोतीचूर के लड्डू हैं, ये तो हलवाई बनाते हैं, ये हम घर पे कैसे बना सकते हैं? तो हम घर पे भी बनाने का आइडिया आपको ज़रूर 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 बताएंगे। मेरे साथ बस देखते रहें मेरे चैनल को पूरे एंड तक, और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ईजली मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ये मीठा मीठा डिज़र्ट और करते हैं एंजॉय। और बहुत ही आसानी के साथ मैंने यहाँ पे बताया है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है चीनी, और मैंने लिया है फूड कलर जो कि ऑरेंज कलर का है, दो इलायची ली है, मैंने लिया है फूड कंटेनर जो बहुत इजीली मार्केट में मिलता है, मैंने लिया है वनीला एसेंस, और ले लिया है एक पिन। तो आप सोचते होंगे ये पिन का खाने में क्या काम, तो चलिए बताते हैं कि इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले बेसन में मिलाएंगे फूड कलर। फूड कलर आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, जिससे कि इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल हो देखने में, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। हमें पानी डालते हुए से मिक्स करना है, पानी धीरे धीरे करके डालें, आप एक ही बार पे पानी नहीं डालें। ये देखिए, बस ऐसे मिक्स करते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाएं कि ये अभी कितना पतला है और कितना गाढ़ा है, ये देखते जाएं आप। तो देखिए, मैंने इसमें पानी अपने हिसाब से मिलाते हुए इसके बैटर को इतना पतला कर लिया है, बहुत भी ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें ना, बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए ताकि हमारे बूंदी बहुत ही अच्छे से बन सके। अब मैं ले लेती हूँ ये फूड कंटेनर, जिसके बारे में आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये किचन टूल्स है, इसमें भी होल्स हैं लेकिन ये उभरे हुए हैं, और ये देखने में भी बहुत छोटा है, और इसमें अगर हम अपने बैटर को डालेंगे तो ये चारों तरफ से गिर जाएगा और इससे बिल्कुल भी अच्छे से बूंदी हमारे नहीं बनेंगे। और हमारे घर पर कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है जिसमें इस तरह के होल्स हो, तो हमने यहाँ पे फूड कंटेनर का इस्तेमाल किया है। इसमें हम पिन से होल करेंगे, ये देखिए बस इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक एक होल करते जाना है, और इसी से हम बनाएंगे अपने मोतीचूर के लड्डू। बहुत ही इजली बनेंगे इससे, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, बात करते करते मैंने इसमें एक से दो जगह पे बहुत कहीं पे बड़े होल्स कर दिए हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप बड़े ध्यान से करें। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें होल्स कर दिए हैं, और एंड में मैंने थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस रखा है ताकि हम उसमें हाथ से पकड़ के इसे हिलाते हुए अच्छे तरीके से डाल दें। आप देखिए बस कितना ईजली मेथड है हमारा मोतीचूर लड्डू बनाने का, आप देख सकते हैं। तो बस घर पे ज़रूर स्टार्ट करें बनाना इसे, हमेशा बनाएं और हमेशा एंजॉय करें। ये देखिए, इस तरीके से होल्स करने हैं आपको। तो अब मैं गैस पे रख दूँगी एक कढ़ाई, और उस पर डाल दूँगी ऑयल, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। बस इसमें बैटर डाल दिया मैंने, और इसे इस तरीके से हिलाते जाना है आपको, देखिए, और हमारे जो बूंदी हैं वो खुद ब खुद ऑयल में जाते जाएंगे और अच्छे तरीके से फ्राई होते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फ्राई हो रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप जब बना रहे हैं तो बड़ी कढ़ाई लें, अगर आपके घर पे बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी कढ़ाई लें, और उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें, जिससे आपके बूंदी जो हैं वो बिल्कुल आपस में नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे।
बहुत इजीली बन जाता है ये, बस आपको फूड कंटेनर रखने की ज़रूरत है, फटाफट से बना ले। और इस तरीके से छन्नी तो हमारे घर पे होती ही है, बस बिल्कुल हलवाई की तरह इसे इस तरीके से निकालते जाएं। ये देखिए मैंने अभी तुरंत से निकाला इसकी, ये देखिए आवाज़ सुने आप कितना क्रंची है ये। बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी अपने जितने बूंदी हैं उन्हें बना लूँगी, और इसमें बैटर डालते जाना, हिलाते जाना, बहुत ज़्यादा पतला बैटर ना रखें नहीं तो आपकी बूंदी बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, और ना ही बहुत गाढ़ा रखें। बस इसका आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे मोतीचूर के लड्डू आपके बनने वाले हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बूंदियाँ बहुत ही छोटी छोटी बने, जिससे मोतीचूर के लड्डू बहुत ही इजली बन जाए। और हमारे घर पे कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं होता है जिससे हम बना सकें, तो इसीलिए आप इस फूड कंटेनर का इस्तेमाल करें घर पे। बस इस तरीके से ऐसे ऐसे करके से दबा दबा करके निकालते जाएँ बड़े प्यार से। ये देखिए तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम घर पे इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है, आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल ड्राई है ये। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए था जैसा मैंने बनाया है, आप भी इसी तरीके से बनाएं। अब मैं एक पैन रखूँगी, उसमें डाल दूँगी बहुत सारा पानी, और पानी को बॉयल करना है हमको। यहाँ पे हमें शुगर सिरप तैयार करना है, जी हाँ, जो कि मोतीचूर लड्डू के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी, आधा कप से ज़्यादा मैंने चीनी लिया था उसे मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 इलायची जो मैंने ली थी, उसे तोड़ तोड़ कर डाल दें इसमें। तो मैंने इसमें इलायची डाल दी है। अब हमें इसे, अगर आपके घर पे वैनिला एसेंस हो तो ज़रूर डालें, ये ऐसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। इसलिए आप अपने घर पे अगर आपके पास में अवेलेबल हो वैनिला एसेंस तो ज़रूर ही डालें। तो मैंने इसमें डाल दिया है वैनिला एसेंस, और अब मैं इसमें उबाल आने तक इसे गाढ़ा कर लूँगी। जी हाँ, एक अच्छी सी चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी बूंदी सारी कितनी बढ़िया से फ्राई हुई है, और कितनी ड्राई है ये भी आप देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि घर पे आप इतने अच्छे से बूंदियों को बना सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे चेक करूँगी कि हमारे जो है चाशनी है वो तैयार हो गई है नहीं। जी हाँ, हमारी चाकुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें इन इलायचियों को निकाल दूँगी, जी हाँ, क्योंकि इनका फ्लेवर अब ऑलरेडी हमारी चाशनी में आ चुका है, तो मैंने इसे निकाल दिया है। अब हमें इसमें अपने बूंदियों को डाल देना है। तो देखिए बिल्कुल आराम आराम से चाशनी में आप अपनी बूंदियों को डाल दें, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने इसे कर दिया है मिक्स। हमें इसे चाशनी में डूबने तक छोड़ देना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बादाम जिसे मैंने काट लिया था। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। उसके बाद इसे बिल्कुल 30 से 35 मिनट तक हमें छोड़ देना है। बीच में थोड़ा सा आपको गैस ऑन कर देना है और उसके बाद ऑफ़ कर देना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी जो बूंदी थी वो फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारा रस इसमें आ चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए। तो इसे हम ठंडा होने तक इंतज़ार कर लेते हैं। तो हो चुका है ये ठंडा, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे प्यारे से लड्डू। तो भाई बहन का त्यौहार है, और इसमें हम अपने किचन में कुछ इंजॉय ना करें वो भी लड्डू बनाते बनाते, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके मेथड को दिखाती हूँ। ये देखिए बस ऐसे हाथों से आपको घुमाते हुए बड़े प्यार प्यार से आराम से इसे शेप दे देना है, और आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें और इसे घुमाते हुए, ये देखिए बिल्कुल राउंड कर लें, बन गया हमारा लड्डू। तो चलिए इस तरीके से लड्डू बनाते जाते हैं और इंजॉय करते जाते हैं। देखो हम दोनों तो है एक डाली के फूल, मैं ना गई
तुझसे कैसे गई तू रूठ, आपा से आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो चलिए इसी गाने के साथ में बहुत सारा प्यार भी उमड़ आया है ये देखिए, और हमारे मोतीचूर के लड्डू भी बहुत ही प्यार से तैयार हो गए हैं। बस इसी प्रोसेस से लड्डू बनाते जाएं, क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है और अपने हाथों से बनाएं और बनाकर खिलाएं तो इसकी बात ही कुछ और होती है। तो इसी तरीके से बना लिए हमने लड्डू, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर सीख लिया होगा कि लड्डू कैसे बनाते हैं, और आपको भी बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आती होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी शादी पार्टियों से ऑर्डर आने लगे, भाई हमारे यहाँ भी लड्डू बना दो, तो आप लड्डू बनाना सीख लें और अपने हाथों से बनाने की बात कुछ और ही होती है। तो इस प्यारे प्यारे त्यौहार में मेहमानों को खिलाएं, घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं और इन्जॉय करें इन मोतीचूर के लड्डुओं का। जी हाँ, अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा बादाम, इसे गार्निश कर दूँगी ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगने लगे। ये देखिए, तो मैंने इसे सजा लिया है, और मेरे तरफ से आपको एडवांस में बहुत 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 हैप्पी रक्षाबंधन। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने घर पे इसे आपने कैसे बनाया है ये भी शेयर ज़रूर करें। तो और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके साथ में ज़रूर ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय गाइज़।